हम राजनांदगांव के जिला पंचायत के सभा कक्ष से बात कर रहे हैं। आज यहाँ एक सीएम की, छत्तीसगढ़ के सीएम की प्रेस वार्ता है और आज की प्रेस वार्ता कई मायनों में मायने रखती है कि आज ही इनका लोक स्वराज अभियान ख़त्म हुआ है और दूसरी तरफ बीजेपी जो है उसकी जो उत्तर प्रदेश में हार हुई है तो उनके लिए एक अलर्ट भी है कि अब से उनको आने वाले लोकसभा की तैयारी बहुत जोरों से करनी पड़ेगी। और समझ जाइए, ये आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है चुनाव के पहले की सरगर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सभी लोग अपनी अपनी बेल्टों को बांध लिए हैं और मुझे लगता है कि आने वाला समय छत्तीसगढ़ की राजनीति में बहुत गहरा रहेगा और लगातार मई 2019 तक ये लगातार आप और हमारी मुलाकात ऐसी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में होती रहेगी और हम आपको लाइव दिखाते रहेंगे। और यहाँ पे देखिए, सभी राजनांदगांव के पत्रकार हैं। ये एक ऐसी कॉम है जो तीन स्तंभों की बात करता है, तीन स्तंभ जो है उनकी वो उनकी बात लिखता है, लेकिन उसको उसके लिए जो कलम की और दवात का और उनके घर का खर्चा होता है वो नहीं आ पाता है। तो इसमें ये एक बड़ी ये विडंबना है भारत में पत्रकारों के साथ। ये यहाँ ही नहीं, पूरे भारत में ये तो आपको अगर ये लिखना बंद कर दे तो तीन स्तंभ क्या कर रहे हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कब राशन कार्ड बना और कब तो लोग भले पत्रकारों को गाली देते हैं। मैं हर बार बोलता हूँ मीडिया लागत से लाचार है, लुटेरा नहीं है और पब्लिक प्रेस मीडिया ही बिजनेस के साथ सामान खरीदते रहे हैं और हमको प्राइवेट करते रहे हैं, क्योंकि मीडिया जब तक नेता अधिकारी की खाएगा उनके विरुद्ध नहीं लिख पाएगा। तो हम चाह रहे हैं आप आम आदमी के उपभोग से हम मीडिया को जोड़ने जा रहे हैं पब्लिक प्रेस मीडिया ई बिजनेस के माध्यम से। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जिस जनता की हम सेवा कर रहे हैं वही जनता हमारे लिए मीडिया से लागा। हम पैसा नहीं मांगने जा रहे हैं इस कॉन्सेप्ट में हम पैसा नहीं मांगने जा रहे हैं। हमारा कहना है कि मीडिया जो है वो आम आदमी के उपभोग पर निर्भर करते हैं। हमारा पब्लिक प्रेस पार्टनर मीडिया बिजनेस एक शायद यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा हम मीडिया को, देखिए आपके यहाँ जो पेपर आता है, मैं जब तक सीएम साहब नहीं आते कुछ बातें बताता हूँ, आपके यहाँ जो पेपर आता है उसकी लागत 5-8 रुपये से मैगजीन की लागत 30 रुपये तक होती है। तो मीडिया जो पूरा इन नेता अधिकारी सरकार और के विज्ञानों पर निर्भर है और जिसके कारण मीडिया ना चाहते हुए भी ज़्यादा सरकार के विरुद्ध नहीं लिख सकता। तो आपको मीडिया को स्वतंत्र करना है तो मेरा मत है कि आपको हमारे ई बिजनेस प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहिए। उसकी जो लागत आएगी, उससे जो हमारी इनकम आएगी, उससे आपका मीडिया, आप उस मीडिया के पार्टनर और मालिक बन जाएंगे। मैं लगातार बोलते जा रहा हूँ और लगातार हम इस विषय पर बात